गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, कमलेश, अभिजीत, सभी को गुड मॉर्निंग। सेशन में फटाफट से जुड़ जाइए। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल राइट, आ गए सभी लोग। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे जुड़ सके। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, DI के बारे में। जो नए स्टूडेंट्स जो आज जुड़े हैं, वो कल का लेक्चर और इस वीक में जो भी लेक्चर्स है उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने चाहिए किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, ऑलराइट। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, जिससे सवाल जरूर आता है, हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आएगा प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, चलिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं फिर से कि अगर अभी तक आपने पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं किया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। आप इसको लेके जो भी हमारे लेक्चर्स हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी हमारा एंटायर सिलेबस है, वो आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और इसके अंदर आपको DPP, संडे टेस्ट जैसे ऐसे और भी फीचर्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले। ठीक है, तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो ऑन द IFS ऐप और ऑन द IFSonline.com। ठीक है, वहां पे जाके आप इसको चेकआउट करिए। और टेस्ट सीरीज भी अगर आपको चाहिए, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है एग्जाम से पहले, ठीक है, वो भी वहां पे आपको मिल जाएगा। और वो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है IFS ऐप के अंदर, वो गूगल प्ले पे जाके IFS अगर टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे IFS का ऐप मिल जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर करिए और बहुत सारे जो फ्री फीचर्स हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें सेशन को। लेट्स स्टार्ट द सेशन। हाँ, ऑल राइट। सो वी विल टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। हालांकि इस प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, तो कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल राइट। चलो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा, जैसे कि हर एक क्लास में मिलता है। चलो, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहला सवाल ये रहा, तो करिए इसको फटाफट से स्टार्ट करिए। ऑल राइट। ऑप्शन 1, ओके, ऑल राइट। ऑल राइट, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन के को पहले पढ़ा करो आराम से, क्या कहना चाह रहा है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो फिर आप आंसर कैसे करोगे।
ठीक है, देखिए बोला जा रहा है अ फेयर डाई वॉज थ्रोन थ्री टाइम्स एंड द आउटकम वॉज रिपीटेडली सिक्स, यानी कि एक डाई को फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है तीन बार, और तीनों बार जो आउटकम है वो क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है। यू नो दैट एक डाई के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 नंबर्स आ सकते हैं एक डाई के अंदर, और तीनों बार मैंने उसको रोल किया है और तीनों बार क्या आ रहा है नंबर, 6 आ रहा है। इफ द डाई इज थ्रोन अगेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, यानी कि 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमको बताना है। भाई फिर से 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट विल बी 1/6। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई एक फेयर डाई है, फेयर डाई का मतलब होता है दो तरह की डाई होती है, एक होती है फेयर डाई, एक होती है बाइस डाई। बाइस का मतलब है एक पर्टिकुलर नंबर बार बार आ रहा है, उसको हम बाइस कहते हैं। और जो फेयर डाई है जिसको हम अनबाइस डाई भी बोलते हैं, यानी कि मैं कितनी बार भी एक डाई को फेंक दूं, हमेशा किसी पर्टिकुलर नंबर को आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी ऑलवेज 1/6। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है कि एक नंबर बार बार आएगा, अगर मैं चौथी बार भी फेंकूंगा ना तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि दिस विल बी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 विल बी 1/6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 ऐसे नंबर हैं जो कि आ सकते हैं, उसमें से मुझे 6 चाहिए फिर से, तो एक ही बार तो है, यानी कि 1/6, यानी कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करिए इसको, क्या कह रहा है देखो इसको। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर इज 20, यानी कि दो नंबरों का जो सम है वो 20 होना चाहिए। वी हैव 15 नंबर्स, बोल रहा है टू इंटीजर्स आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर, शुरू के जो 15 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसमें से मुझे दो नंबरों को चूज करना है, चुनना है, वो दो नंबर जिनका जो सम है, जिनको मैं अगर प्लस करता हूं वो 20 आता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर इज 20, करिए। टेल मी, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, ओके ऑल राइट, यानी कि 1/20 कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसा है क्या, थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो कौन से दो नंबर्स हैं, कौन कौन से दो नंबर्स हैं जिनको प्लस करके, जिनको सम करके 20 आता है। तो मैं कहां से स्टार्ट कर सकता हूं,
देखो अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो दूसरा नंबर अगर मैं 14 भी ले लूंगा तब भी ये 20 नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे को जो नंबर मिले हैं वो 1 से लेके 15 तक मिले हैं, 1, 2, 3 अप टू 15। कौन से दो नंबर लूं कि इसका जो सम है वो 20 बन जाए? अगर पहला नंबर मैं 15 लेता हूं तो दूसरा नंबर मुझे 5 लेना पड़ेगा जिसका सम 20 होगा। इसके बाद 15 से एक वैल्यू यानी कि 15 से कम नंबर लूंगा यानी कि 14, देन इट मस्ट बी 6, 4 और 6 हो जाएगा, 1 और 15 के बीच में ही होने चाहिए। 13 लूंगा तो 7 होना चाहिए, 12 लूंगा तो दिस मस्ट बी 8, अगर मैं 11 लेता हूं तो दिस मस्ट बी 9। अगर फिर मैं 10 लूंगा तो दूसरा नंबर भी 10 होना चाहिए, बट ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, 1 से लेकर 15 तक 10 एक ही बार आएगा, ठीक है। तो देयर विल बी 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कितने नंबर है? 5 नंबर, 15, 5, हाँ 14, 6, 13, 7, 12, 8, 10, 11, 9, केवल 5 ही ऐसे नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 20, 5 ऐसे नंबर हैं तो 5 अपॉन कितने पेयर्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? 15 नंबरों में से दो दो के पेयर हमको बनाने हैं, हाउ मेनी पेयर्स विल बी देयर? वी हैव 15 नंबर, वी हैव टू चूज 2 नंबर, यानी कि 15C2 कॉम्बिनेशन हम यहां पे लगाएंगे। वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन 15C2, सो दिस विल बी 5 अपॉन 15 इंटू 14 अपॉन 2। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, दिस विल बी 1 अपॉन 21, 1 अपॉन 21, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो वी आर अप्लाइंग कॉम्बिनेशन, मैं कर क्या रहा हूं, दो दो नंबरों को चूज कर रहा हूं 15 नंबरों में से। अब उन 15 नंबरों में से दो दो के जो पेयर्स बन, ऐसे जो दो पेयर्स जिसका सम 20 आ रहा है वो 5 पेयर्स हैं, ये 5। सो फेवरेबल आउटकम है मेरे 5, और टोटल जो आउटकम है वो है 15C2। मुझे दो दो नंबर्स के पेयर बनाने, जैसे कि 1, 2 का बना दूंगा, 1, 3 का बना दूंगा, 1, 4 का बना दूंगा, ऐसे 15 नंबर से कितने पेयर बनाए जा सकते हैं? दैट विल बी 15C2। तो कॉम्बिनेशन तब हम याद करते हैं जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, यानी कि वी आर सिलेक्टिंग सम नंबर्स, वी आर सिलेक्टिंग सम पर्संस, इस तरह से 15 में से दो नंबर्स को सिलेक्ट करना है, देन दिस विल बी 15C2। तो कॉम्बिनेशन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैंने बता दिया कि कॉम्बिनेशन को कब यूज करते हैं, व्हेन वी आर सिलेक्टिंग समथिंग, सिलेक्शन की जब बात आती है तो हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ऑल राइट, ठीक है, चलो जैसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कि मैं कहता हूं भाई मेरे सामने 20 लोग हैं, उन 20 लोगों में से मुझे 3 लोगों को पिकनिक पे भेजना है, ठीक है। 3 लोग हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, कोई भी रैंडम 3 लोग हो सकते हैं, 3 नंबरों का ग्रुप अलग अलग बन सकता है, तो वो कौन सा ग्रुप होगा जो जाने के लिए रेडी, यानी कि आप ही में कॉम्बिनेशन लगा सकता हूँ, यानी कितने नंबर ऑफ ऐसे अरेंजमेंट बन सकते हैं, दैट विल बी 20C3। मैं क्या कर रहा हूँ, 20 लोगों में से 3 लोगों का ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप कितने तरह से मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, 20C3, यानी कि 20 × 19 × 18 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 × 2 × 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे जो भी आएगा उतने नंबर ऑफ वेज से मैं वहां पे अरेंजमेंट बना सकता हूँ, ठीक है। अब ये कैसे मैंने सॉल्व किया कॉम्बिनेशन को, कैसे क्या फॉर्मूला लगाया, ये तो डिटेल वाली बात है, इसके लिए आपको पिछला जो मैंने कॉन्सेप्ट वाला जो लेक्चर लिया है उसको जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। राइट, 20C3, चलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस,
देखो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट अ टिकट लेस ट्रेवलर इज कॉट ड्यूरिंग अ ट्रिप इज 0.1. इफ द ट्रेवलर मेक्स 4 ट्रिप्स द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल कॉट ड्यूरिंग द ड्यूरिंग एटलीस्ट वन ऑफ द ट्रिप इज व्हाट. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. ऑल राइट, बताइए इस क्वेश्चन को. ऑप्शन वन. ओके, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है. जो प्रोबेबिलिटी है जो टिकट लेस ट्रेवलर, यानी कि जो एक ट्रेवलर है जो उसके पास टिकट नहीं है, उसके पकड़े जाने की, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है उसके पास टिकट उसने नहीं खरीदा, वो बस में बैठ गया, तो उसके पकड़े जाने की जब चेकिंग हुई, उसके पकड़े जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.1. इफ द ट्रेवलर मेक्स 4 ट्रिप, वो बिना टिकट के 4 अगर ट्रिप मार लेता है और पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.1 है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल कॉट ड्यूरिंग एटलीस्ट वन ऑफ द ट्रिप्स, चार में से कम एक ट्रिप में वो पकड़ा जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. अब देखो एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम एक बार पकड़ा जाए तो भी, दो बार, तीन बार और चारों बार पकड़ा जाए तो भी, एटलीस्ट का मतलब होता है ये, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. चलो देखें, एज यू नो कि किसी भी इवेंट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो वन होती है, वन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती. यू नो दैट अगर कॉट यानी कि पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो ना पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट गेटिंग कॉट, यानी दिस वुड बी 1 - 0.1. ना पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.9. यू नो दैट. तो ऐसे ही चार ट्रिप्स लगा रहा है, तो चार ट्रिप में अगर ना पकड़ा जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, नॉट कॉट इन 4 ट्रिप्स, चारों ट्रिप में ये ना पकड़ा जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट विल बी 0.9 × 0.9 × 0.9 × 0.9. ठीक है, वी विल मल्टीप्लाई इट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था. तो यहां पे जो चार ट्रिप्स अगर ये लगाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 0.9 का होल पावर 4. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चारों ट्रिप में ना पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी. लेकिन सवाल ये नहीं कह रहा है, सवाल ये कह रहा है वो पकड़ा जाए कम से कम एक बार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ caught at least one time, at least once. एक बार पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस नॉट गेटिंग कॉट की प्रोबेबिलिटी, वो पकड़ा ना जाए उसकी प्रोबेबिलिटी उसमें से मैं माइनस कर दूंगा. ये चीज समझ में आती है क्वेश्चन, तो दिस विल बी द आंसर. तो इसके अंदर आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, एक बार कॉट होने की प्रोबेबिलिटी, दो बार, तीन बार और चारों बार. एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार तो पकड़ा जाए वो. अब कम से कम में वन भी आ जाएगा, टू भी आ जाएगा, थ्री भी आ जाएगा और फोर भी आ जाएगा. तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैंने ना पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया, तो बाकी की प्रोबेबिलिटी वही तो बचेगी जिसमें वो एक, दो, तीन या चारों बार पकड़ा जा रहा होगा, दैट विल बी दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर वन. ऑल राइट, तो क्वेश्चन को करने का तरीका तो ऐसा रहेगा,
सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार आप प्लेलिस्ट पे चेकआउट करोगे तो सारे आपको लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, एक एक करके जो फोल्डर्स हैं उसको चेकआउट करो जाके, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, ठीक है, टॉपिक वाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़िए और इसको समझिए। ट्वेल्व बॉल्स थ्री ईच ऑफ द कलर रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो, मेरे पास 12 बॉल हैं और चार कलर्स की बॉल है और हर एक टाइप की जो कलर है वो तीन तीन बॉल, 12 बॉल थ्री ईच ऑफ द कलर रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो, यानी कि तीन बॉल रेड तीन बॉल ग्रीन तीन बॉल ब्लू एंड तीन बॉल मेरे पास यहाँ पे येलो है, ठीक है। आर पुट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर मैंने रखी, आर मिक्स उनको मैंने मिक्स कर दिया। चलो आप पहले टाइम लो उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है, करो अपने अपने सॉल्यूशन। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। ऑप्शन फोर, ठीक है, अभी देखते हैं। चलो देखो, अगर मैं बात करूं कि यहां पे हमको दे रखा है ना तीन रेड बॉल है तीन ग्रीन बॉल है तीन ब्लू तीन येलो, ठीक है। अब यहां पे ये जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं सेम कलर की अगर हो, हमसे क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट थ्री बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर की जो बॉल्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 3C3, तीन बॉल ही सिलेक्ट कर रहा हूं, तीन ही मेरे पास रेड है, दिस विल बी 3C3, तीन ग्रीन में से 3C3, तीनों के तीनों रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी 3C3, 3C3 फॉर ग्रीन एंड 3C3 फॉर ब्लू एंड 3C3 फॉर येलो, भाई 3C3 क्या होता है, दिस विल बी 1, 1, 1 एंड 1, लेकिन चार बार ऐसा हो सकता है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज है सेम कलर की बॉल होने का दैट विल बी 4। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम कलर, तो चार बार ऐसा हो सकता है बट टोटल जो हमारा जो आउटकम है वो क्या होगा, मैं कर क्या रहा हूं, आई एम सिलेक्टिंग द बॉल कितने में से, 12 में से, कितनी, तीन बॉल,
वी आर सिलेक्टिंग थ्री बॉल आउट ऑफ 12, सो दिस विल बी 12C3। जो मेरा फेवरेबल आउटकम है वो तो 4 ही है, क्योंकि तीन चार बार ऐसा हो सकता है कि सेम कलर की बॉल आए, या तो तीनों रेड, तीनों ग्रीन, तीनों ब्लू या तीनों येलो। तो दिस विल बी 4 upon 12 into 11 into 10 upon 3 factorial। 3 factorial मतलब 3 into 2 into 1। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस 6 टू टाइम्स, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, 1/55। क्रिस्टल क्लियर एकदम। ऑल राइट, हाँ, व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 1/55 एज द फाइनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमको सेम कलर कह रहा है, तीन बॉल को चूज करना है और तीनों एक ही कलर की आए। दैट विल बी 4 upon 12C3। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, पढ़िए इसको। इसी तरह से हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। एक तरीका है कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का, 12C3 विल बी 12 into 11 into 10 upon 3 factorial। एक शॉर्टकट मेथड है, इसके बारे में डिटेल में बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ऑप्शन 4, ओके, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। बोला कंसीडर अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 5 यूनिट। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड हमको 5 यूनिट दे रखी है। आफ्टर पेंटिंग इट इज कट इनटू क्यूब्स ऑफ 1 यूनिट, यानी कि जब उसको मैंने एक कट लगाया 1 1 यूनिट के क्यूब्स में, तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम चोजन यूनिट क्यूब हैज ओनली 1 साइड पेंटेड। सवाल कुछ ऐसा है, देखो एक मेरे पास क्यूब है, इस तरह का क्यूब है जिसकी साइड है मेरे पास 5 5। क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं, यू नो दैट। अब मैंने इसको काट दिया छोटे छोटे 1 by 1 by 1 यूनिट के क्यूब्स में। व्हेन वी विल कट दिस पीस, तो इस तरह का पीस निकल के आएगा। ठीक है, इस तरह के पीसेस में मैंने इसको काट दिया लाइक दिस। ये जो एक क्यूब निकला, ये जो 1 यूनिट का जो क्यूब निकला है, ऐसे बहुत सारे क्यूब्स यहां पे निकलेंगे। यू नो दैट एक फेस से, यानी कि एक लेयर से कितने क्यूब्स बनेंगे। दीज आर 25 क्यूब्स इन वन लेयर, ऐसी कितनी लेयर बनेंगी, 2, 3,
फोर फाइव, यानी कि 1 2 3 4 5, पांच लेयर बनेंगी 1 1 1 1 1 यूनिट की, तो कुल मिला के 25 × 5 लेयर्स, यानी कि 125 क्यूब्स निकल के आएंगे जिनकी साइड होगी 1 यूनिट। ये बात समझ में आती है, 25 × 5 यानी कि देयर विल बी 125 क्यूब्स। अब हमको प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है कि एक साइड पेंट है, वन साइड पेंटेड क्यूब्स की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी। जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है वो तो 125 है, ये तो हमको दिख रहा है साफ साफ, लेकिन एक साइड जिसकी पेंट होगी वो कितने क्यूब्स होंगे ये आपको यहां पे देखना है। देखो पहला क्यूब तो ये होगा जिसकी एक साइड पेंट होगी, एक फेस पेंट होगा, ये 2 3 3 ये 3 ये 3 ये, यानी कि एक फेस पे 9 क्यूब ऐसे होंगे। बाकी ये क्यों नहीं होंगे भाई, ये वाला जो क्यूब आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको क्यूब दिख रहा है ये यहां पे पेंट होगा एज वेल एज यहां पे भी पेंट होगा। कभी रूबिक को देखा है, रूबिक क्यूब को देखा है आपने, उसमें जो कॉर्नर जो साइड वाले जो हमारे क्यूब्स होते हैं यहां से भी पेंट होता है और यहां से भी पेंट होता है, यहां से भी पेंट होगा यहां से भी पेंट होगा, यानी कि दो फेस पे पेंट होंगे। बट ये जो कॉर्नर वाले होंगे ये यहां पे भी पेंट होगा, यहां पे भी पेंट होगा और साइड में भी पेंट होगा, तीन तरह से वो पेंट होगा। लेकिन हमको वाले क्यूब बताने जो कि केवल एक फेस जिनका पेंट होगा, तो ये वाले होंगे जो बीच में 9 आपको दिख रहे हैं, ये 9 यहां पे भी होंगे, 9 यहां पे भी होंगे, यानी हर एक फेस पे 9 9 9 9 होंगे, कुल मिला के 9 × 6 क्योंकि 6 फेस हैं, हर एक फेस में 9 नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। तो दिस विल बी, तो आप जब सॉल्व करोगे दिस विल बी 36/125, ठीक है, सॉरी दिस विल बी 54, राइट, 6 × 9 विल बी 54, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन को, अगर प्रैक्टिकली समझोगे ना चीजें अच्छे समझ में तब आएंगी, ये कहना क्या चाह रहा है। इस तरह का एक क्यूब है, उसको आपने 1 by 1 by 1 के क्यूब्स में बांटा है, तो उसमें एक साइड जिसकी पेंट होगी वो कितने क्यूब्स होंगे, 54, एंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी 125, सिंपल। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत समस्या किसी को, दिख रहा है स्क्रीन, एक सेकेंड देख लो एक बार, ठीक है, ठीक, ओके, क्लियर हो गया है, चल मैं इसकी बात कर रहा था अभी। ये जो ऐप है, जो नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, जो आपको गूगल प्ले पे जाके IFS टाइप करना है एंड इस ऐप को इंस्टॉल करना है और रजिस्टर कर लेना है, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी आपको फ्री क्लासेस दिखती हैं, ठीक है, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो मल्टीपल चॉइस एग्जाम हैज 4 क्वेश्चंस, करिए इसको, ट्वेंटी 5 × 5 वाला पार्ट फिर से रिपीट कर दूं। देखो 25 × 5 मैंने किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि एक साइड में कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, 25 है, पांच ऐसे हैं, यानी कुल मिला के कितने, 5 × 5 यानी कि 25। अगर एक लेयर में 25 है तो कितने नंबर ऑफ लेयर्स बन रही हैं, ऐसी देयर आर 5 लेयर्स, क्योंकि 5 यूनिट का था, उसको एक एक यूनिट के क्यूब्स में मैंने बांटा है, यानी कि 25 यहां पे, उसके पीछे 25, ऐसे 5 बार, इसलिए 25 × 5। ऑप्शन 2, ओके, ऑलराइट, ठीक है, आ रहा है समझ में?
हाँ वैसे भी आप निकाल सकते हो, वो भी एक अच्छा अप्रोच है, राइट। चलिए अब देख लिए क्वेश्चन को। अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम हैज अ फोर क्वेश्चंस। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम है जिसमें आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, ईच विद फोर आंसर चॉइस। एवरी क्वेश्चन हैज ओनली वन करेक्ट आंसर, यानी कि हर एक क्वेश्चन में एक ही करेक्ट आंसर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द आंसर करेक्ट बाई इंडिपेंडेंट रेंडम गेस फॉर ईच वन इज। देखिए मान लो आपका एग्जाम है सीएसआर का, चार क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। हालांकि क्वेश्चन जो नहीं आते उसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो निगेटिव मार्किंग होगी, बट फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो उन चार क्वेश्चन को, आपको अटेम्प्ट करना है एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट द आंसर्स। आपको आंसर्स के कोई भी आइडिया नहीं है, तो चारों के चारों क्वेश्चन आपको रेंडम गेस से अगर करने हैं तो चारों क्वेश्चन की एक साथ सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। देखो अगर मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, ऑल करेक्ट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल एक एक करके बात करते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, केवल एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो आप कहोगे भाई चार ऑप्शंस हैं, एक उसमें से सही होगा, यानी कि एक क्वेश्चन को सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 1/4। मैं कहता हूं आप दोनों क्वेश्चन को सही करना है, अगर एक क्वेश्चन सही होगा उसको नहीं माना जाएगा, दोनों के दोनों सही होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 × 1/4। तीन क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और जुड़ जाएगा इसमें, चार सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आपकी वो रिड्यूस होती जा रही, घटती जा रही है, क्योंकि हम यहाँ पे 1/4 1/4 1/4 की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जब भी ऐसी फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई होगी तो प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज डिक्रीज, यानी कि 1/4 to the whole power 4, लाइक दिस दैट विल बी। ठीक है, हाँ सही ऑप्शन नंबर टू एकदम। ऑल राइट, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या कह रहा है देख लो इसको एक बार। अ पॉइंट इज चूजन एट रेंडम फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इन द सेक्टर ओ ए बी। ये जो ओ ए बी आपको दिख रहा है ना, वो पर्टिकुलर पॉइंट इस ओ ए बी रीजन के अंदर होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। वी हैव टू चूज अ पॉइंट रेंडमली इस सर्कुलर डिस्क के अंदर, अब वो पर्टिकुलर पॉइंट इस एरिया के अंदर आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इन सेक्टर ओ ए बी। ये जो एक्स जो आपको एंगल दे रखा है ये किसमें है, रेडियंस में है। देखो अगर एक मैं कंप्लीट एंगल की बात करूं तो वो 360 डिग्री का होता है, जिसको अगर मैं रेडियंस में बोलूं दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन थ्री, ऑल राइट। हाँ ठीक है, चलो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा। अगर मैं इस सेक्टर का एरिया
लूंगा तो दिस विल बी द फेवरेबल एरिया, जो मेरे को फेवरेबल है, क्यों, इसी के अंदर मेरा वो पॉइंट होना चाहिए, तो दिस विल बी द फेवरेबल आउटकम। इसका एरिया कैसे आएगा? एज यू नो 2π का मतलब क्या है, 2π का मतलब है कितना एरिया, πr² जो कंप्लीट जो सर्किल का एरिया होता है वो कितना होता है, πr², ये तब होगा जब 360 डिग्री में लूंगा, यानी कि 2π इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, दिस विल बी 2π। 1 का मतलब 3πr² अपॉन 2π, और x का मतलब इनटू x कर दो, सो दिस विल बी व्हाट, πr² अपॉन 2π, लाइक दिस, डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ दिस सर्किल। इस सर्किल का जो टोटल एरिया होगा दैट विल बी πr², ठीक है, यहां पे x भी था। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, दिस विल बी πr², πr² गेट कैंसिल्ड एंड यू विल गेट x अपॉन 2π, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। सो द एरिया विल बी πr², 2πr नहीं होगा, वो तो सर्कमफेरेंस होता है ना, तो πr² अपॉन 2π डिवाइडेड बाई πr², यू विल गेट x अपॉन 2π, ऑप्शन नंबर 3। इस फेवरेबल एरिया को आपको निकालना है पहले, क्योंकि आप ऐसे निकाल सकते हो, 2π का वैल्यू अगर πr² है तो 1 का मतलब πr² बाई 2π और x का मतलब इंटू x डिवाइडेड बाई द एरिया ऑफ द होल डिस्क, दैट विल बी πr². ठीक है, चलो राइट, अलग अलग अप्रोच से आप कर सकते हो, यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चन विद डिफरेंट अप्रोच। अगर आप सर्कमफेरेंस के अप्रोच से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात वहां पे भी नहीं है, क्योंकि जो रेशियो होगा ना एरिया का या सर्कमफेरेंस का वो हमेशा सेम रहेगा दोनों जगह। करिए इसको, ऑल राइट, क्या बोल रहा है, टू स्टूडेंट आर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ठीक है, दो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग, एक कहीं और कर रहा है एक कहीं और कर रहा है। अब कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट वन सॉल्व द प्रॉब्लम इज 3/5, एक पर्टिकुलर जो उसमें से एक जो पर्सन है, मान लो ए जो पर्सन है वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड सॉल्व द प्रॉब्लम इज 4/5, दूसरा पर्सन उसको सॉल्व कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कम से कम एक उनमें से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। कम से कम एक सॉल्व कर ले का मतलब है कि कोई एक पर्सन सॉल्व कर ले या दोनों के दोनों कर ले, एटलीस्ट का मतलब होता ही है, यानी कि अगर एक भी पर्सन उनमें से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है वो तो काउंट करेंगे ही करेंगे, साथ में अगर दोनों भी कर ले रहे हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो हम क्या करें, ऐसा हम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन सॉल्व्स प्रॉब्लम
कैसे निकाल सकते हैं? जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसमें से नो वन कैन सॉल्व प्रॉब्लम, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं माइनस कर दूंगा ना, तो केवल वही तो प्रोबेबिलिटी बचेगी जिसमें से या तो दोनों में से एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहा होगा या दोनों के दोनों उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे होंगे, वही प्रोबेबिलिटी हमारे पास बचेगी। तो दिस इज द राइट अप्रोच टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाला पर्सन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5, तो अगर प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी 1-3/5, 1-3/5 यानी कि 2/5 प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अगर 4/5 है तो प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1-4/5 यानी कि दिस विल बी 1/5। तो दोनों लोग प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उसकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? पहला पर्सन उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है यानी कि 2/5, दूसरा भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है यानी कि 1/5। तो द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी विल बी 2/5 × 1/5। तो एटलीस्ट वन सॉल्व द प्रॉब्लम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी में से दोनों लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं माइनस कर दूंगा तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 23/25। ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें एटलीस्ट एक पर्सन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। एक बार इसको देख लो, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन करिए इसको। हालांकि ये तो मैंने फिगर आपको दे दिया है बट फिगर आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बाद आपको खुद फिगर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ के समझ लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है हमसे अ पीस इन अ बोर्ड गेम स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ द बोर्ड हैविंग 5×5 स्क्वायर्स। ठीक है, तो एक बोर्ड गेम है जिसमें 5/5 के कुछ स्क्वायर्स हैं। कितने होंगे 5×5 में? 25 स्क्वायर्स होंगे कुल मिला के। अ पीस कैन बी मूव्ड 1 स्क्वायर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी कि मूव इसे बोलेंगे, या तो एक बार मैं उसको वर्टिकली मूव कर लूं या मैं उसको एक बार हॉरिजॉन्टली मूव कर लूं उस पर्टिकुलर पीस को, तो दैट इज कॉल्ड वन मूव। इफ ऑल इट्स मूव आर रैंडम, सारे के सारे जो मूव्स है रैंडम है, कहीं भी मैं चल सकता हूं। हो सकता है मैं दो बार वर्टिकल चल लूं या मैं दो बार
हॉरिजॉन्टल चल लूँ या एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल, कैसे भी मैं चल सकता हूँ, तो वो रैंडम मूव्स हैं। द चांस दैट इट विल बी ऑन वन ऑफ द आउटर स्क्वायर एट द एंड ऑफ टू मूव्स, मुझको उसको दो मूव करवाने हैं और दो मूव के बाद ये बाहर वाले आउटर स्क्वायर्स पे जाके रुके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो फिगर तो इसका ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे जैसा क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है 5/5 के स्क्वायर से, तो 5 ऐसे हैं 5 ऐसे हैं, ठीक है ये 5 है इस तरह से। तो अगर ऐसा है तो अभी ये सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है सबसे पहले मैंने उसको सेंटर पे रखा हुआ है, अब सेंटर से इसको दो मूव चलाना है, ठीक है सेंटर से इसको मुझे दो मूव चलाना है, तो कैसे चलेगा देखो, चलाने के कितने तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं एक पहले वर्टिकल मूव ले रहा हूं और एक मैं हॉरिजॉन्टल मूव ले रहा हूं। एक मूव लेने का मतलब क्या है, एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में जाना, दिस इज वन मूव एंड दिस इज सेकंड मूव, ठीक है एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से फिर मैं इसको लेफ्ट में ले गया, दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहले मैंने यहां पे मूव किया उसके बाद मैंने इसको पूरा ही वर्टिकल मूव कर दिया, यानी कि दोनों स्टेप्स मैंने वर्टिकल ले लिए, दो तरीके हो गए सॉरी कुल मिला के तीन तरीके। और चौथा तरीका यह है कि उसको पहले मैं वर्टिकल ले गया उसके बाद मैं फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको नीचे की तरफ ले आया, दिस इज मूव नंबर 4। यानी कुल मिला के 4 मूव आपको दिख रहे हैं, एक देखो आपको यहाँ पे डायरेक्शन दिख रही है, एक ऐसे 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 सामने ऐसे और फिर पीछे, यानी कुल मिला के देयर विल बी 4 मूव्स। यहाँ पे 4 मूव बनेंगे, 4 मूव इस डायरेक्शन में बनेंगे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ मूव्स विल बी 4+4+4+4 यानी कि 16। 16 मूव ऐसे होंगे, 16 मूव्स विल बी देयर। अब 16 में से वो वाले मूव्स मुझको बताने हैं जिसमें आउटर वाले स्क्वायर्स पे जाके बैठा हुआ है, यानी कि ये वाला, इस मूव में 2, 3, 4 चार ही मूव ऐसे हैं जिसमें आउटर वाले स्क्वायर्स में जाके रुकेगा, तो देयर विल बी 4 मूव्स यानी कि 1/4, ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी 1/4। समझ में आया? तो यहां से सेंटर से इसको दो मूव चलाना है, ऐसे दो मूव चलाना है जिससे कि आउटर वाले स्क्वायर, ये जो आउटर स्क्वायर दिख रहे हैं ना बाहर बाउंड्री वाले, उस पर जाके रुकेगा। तो उसके लिए 4 ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, जब उसको मैं वर्टिकली इधर चलाऊं, वर्टिकली इधर चलाऊं, हॉरिजॉन्टली इधर चलाऊं, हॉरिजॉन्टली इधर चलाऊं, यानी कि 4 बार ऐसा हो सकता है। और कुल मिला के कितने मूव्स हो सकते हैं, 16, 4, 4, 4, 4 अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ये सवाल था, थोड़ी सी समझने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। हाँ चलिए, तो बस आज इतना ही रखते हैं इस सेशन के अंदर। और एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग कर लेना इसको, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर भी करना, डिटेल में अगर आंसर करोगे दैट विल बी मोर बेटर, कि कैसे हुआ, क्या आपने इसमें कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है। और फिर हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे कल, मोस्ट प्रोबेबली शायद परम्यूटेशन है, आई थिंक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस नहीं आते समझ में, कल के लेक्चर में आप लोग आ जाना, तो वहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, खुद से अपनी साइड से भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करो, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पर जुड़ सके। All right.